आगरा गेट स्थित मराठाकालीन पंचमुखी हनुमान और वैभव लक्ष्मी मंदिर में बलराम छठ के अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन आयोजित किया गया। इस दौरान भगवान कृष्ण और देवी देवताओं का विशेष श्रृंगार कर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ ही महिलाओं व अविवाहित कन्याओं ने उपछठ का दिन भर उपवास कर शाम को मंदिर में दर्शन कर भगवान चंद्र की पूजा कर अर्घ देकर व्रत खोला। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ है, जो कि हल्दर छठ के नाम से भी जानी जाती है। और आज कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। और यह व्रत छः वर्ष की बच्चियों को ही जला दिया जाता है, ताकि वो अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर सके। अच्छे पति की कामना के हिसाब से यह बच्चियों को व्रत उठाया जाता है। बच्चियां दिन भर भूखी रहती हैं, फिर शाम को कथा सुनती हैं और लाल चंदन का चरणामृत ग्रहण करके और चंद्रमा को अर्घ देके यह व्रत खोला जाता है। और सभी बच्चियां यह व्रत करती हैं, स्त्रियां भी यह व्रत करती हैं। और इस व्रत को करने से 24 एकादशियों को करने के बराबर फल प्राप्त होता है, इसलिए सभी को यह व्रत करना चाहिए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, बच्चियों की, स्त्रियों की, सबके। धन्यवाद। हाँ, बच्चियाँ जब तक चंद्रमा नहीं दिखता है, जब तक मंदिरों में जाती हैं, कहीं तो मतलब खड़े रहने का ही प्रण लेती हैं, तो वो जब तक चंद्रमा नहीं उगता है, जब तक मंदिरों में दर्शन करके और भगवान के और चरणामृत लेती हैं और कहानी सुनती हैं बच्चियाँ। और यह पर्व जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर बच्चियों में विशेष जोश रहता है, इसलिए यह व्रत खाया जाता है। जी, आज हम दिन भर उपवास रखते हैं और दिन में ही जो खाना होता है अपने बच्चों को, फलार वगैरह सब हम लोग खा लेते हैं। और ये मान्यता है कि 24 ग्यारह का जो फल है वो आज ही के दिन मिलता है हमको। आज हम अब दियाबत्ती के समय नहा धोकर मंदिर में चिनामत लेने के बाद, जब चांद उगेगा तब तक कुछ भी नहीं खाएंगे। चांद को अर्घ देने के बाद ही हम जल ग्रहण या अन्न वगैरह करेंगे और तभी हमारा ये संपूर्ण होता है व्रत। ये राम जी के समय से ही ये प्रथा चली आ रही है कि जब राम जी ने वनवास पूरा करके और ये सब वहाँ की जो कुमारी कन्याओं ने सोचा हमें भी ऐसा वर मिले, तब उन्होंने ये बताया था कि आज के दिन व्रत करने से जब मैं अगले जन्म में कृष्ण रूप में आऊँगा, तब मैं तुम्हें सब गोपियों की, तुम सब गोपियाँ के रूप में होना और मैं तुम्हें सबको प्राप्त होऊंगा। ये आज के दिन का विधान। जी, मेरा ये व्रत ऐसा कहते हैं कि 24 ग्यारसों का फल होता है। इसमें पूरे दिन शाम को स्नान करके मंदिर में जाते हैं सारे, मतलब परिवार वाले, और कोई कोई खड़े खड़े अपना चरणामृत ग्रहण करता है और फिर बैठ के, ये सब अपनी मनोकामना के लिए भी किया जाता है। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, UP में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।